हेलो वन आई होप सो कि आपको रूट लोकस की काफ़ी डिटेल अंडरस्टैंडिंग अब है राइट सब हम कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे थे राइट so, इस प्रॉब्लम में आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है के ओवर एस इंटू एस प्लस फोर इन एस प्लस फाइव राइट सो so, तीन पोल्स हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं एस इक्वल टू जीरो पर एस इक्वल टू माइनस फोर पर एंड एस इक्वल टू माइनस फाइव पर इनको हम देख सकते हैं लाइक दिस एस वन एक जीरो प्लस आईटा जीरो दोनों ही वैल्यू जीरो है ना देन एस टू के लिए माइनस फोर दिस बिकम्स माइनस फोर रियल वैल्यू एंड इमेजिनरी पार्ट इसका जीरो ही रहेगा राइट लाइक वाइज फाइव के लिए हम लिख सकते हैं माइनस फाइव प्लस आइटा जीरो अब देखिए करना क्या है इसमें प्रॉब्लम क्या है स्केच द रूट लोकस एज के वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी राइट के हमेशा ही जीरो टू इन्फिनीटी वेरी करेगा राइट right? हमें so, करना क्या है रूट लोकस प्लॉट करना है रूट लोकस प्लॉट करने में पहला स्टेप हमारे पास क्या है नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस डिटरमिन करना नंबर ऑफ पोल्स हमें मालूम है कितने थ्री वन टू एंड थ्री एंड नंबर ऑफ जीरोज़ आर जीरो अब एन माइनस एम का यूज़ क्या है एन माइनस एम बेसिकली होता है टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स राइट एसिम्प्टोट्स सिमटोट्स नंबर ऑफ डायरेक्शन या कह लीजिए नंबर ऑफ रूट लोकसिस तो हमारे पास पोल्स कितने थे देखिए आपके रूल्स वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं पोल्स कितने थे थ्री तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स भी कितने होंगे थ्री तो आपके पास नंबर ऑफ रूट लोकोज भी कितने होंगे थ्री राइट तो एन इज थ्री एंड एम इज़ जीरो नंबर ऑफ पोल्स इज थ्री एंड नंबर ऑफ जीरोज इज़ जीरो तो दिस बिकम्स थ्री राइट अब देखिए पहला काम क्या है हमारे पास हमने एक ग्राफ पेपर यहाँ पर कंसिडर कर लिया राइट ग्राफ पेपर में हमने क्या किया ओपन लूप पोल्स जो है वो मार्क कर दिए हैं ओके पहला पोल का है आपका एस इक्वल टू जीरो पे देन सेकंड वन इज एट एस इक्वल टू माइनस फोर एंड एस इक्वल टू माइनस फाइव पे ये तीनों पोल्स हमने मार्क कर दिए हैं इसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर टू पर राइट अब देखिए स्टेप नंबर टू क्या है कैलकुलेटिंग ए सेम टोर्सर एंगल्स फॉर रूट लोकस ओके अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास एन माइनस एम की वैल्यू क्या आई थी थ्री थ्री मंथ मीन्स यू हैव टू टेक क्यू इक्ल टू ज़ीरो वन एंड टू राइट मीन्स तीन वैल्यूज आप लेंगे तो so, आपके पास ए सेम टोट्स का जो एंगल कैलकुलेट uh, करने का जो फॉर्मूला है दैट इज़ ऑड मल्टीपल ऑफ वन एटी डिग्रीज ओवर एन माइनस एम राइट सो ऑड मल्टीपल अब क्यू की वैल्यूज आप सब शूट कर दीजिए डिफरेंट डिफरेंट क्यू की वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स आपके पास आ जाएंगे राइट right? सो so, पहला वैल्यू क्या है क्यू इक्ल टू जीरो सो जीरो सब शूट किया तो सिक्सटी डिग्री अगेन क्यू वन सब शूट किया तो वन एटी डिग्रीज टू सब शूट किया तो 300 हंड्रेड डिग्रीज राइट आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर अब ए सिमटोर्ट्स आप डायरेक्टली तो ड्रॉ नहीं कर सकते एंगल कहीं डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज रियल एक्सिस पे हमें एक पॉइंट चाहिए जहाँ से आप एंगल्स ड्रॉ करेंगे राइट right? सो so, वो पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में ओके दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड ऑफ ए सीमटोर्स सेंट्रॉयड को हम डिफाइन करते हैं सिग्मा ए से एंड दैट इज इक्वल टू समिशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स रियल पार्ट समथिंग माइनस सम्मिशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोज ओके सो अब रियल पार्ट्स क्या थे इनके डिफिकेंसी दोल नंबर वन इसका रियल पार्ट क्या है दिस जीरो राइट इमेजनरी पार्ट जीरो इसका रियल पार्ट क्या है माइनस फोर इसका रियल पार्ट क्या है माइनस फाइव राइट सो पोल के रियल पार्ट्स माइनस जीरो के रियल पार्ट ओवर एंड माइनस एम इज थ्री राइट सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस थ्री सो माइनस थ्री क्या हो गया अब आपका सेंट्रॉयड हो गया ओके okay? नेक्स्ट so, क्या करना है मैं को मार्क कर देना है ये माइनस थ्री पे आपका सेंट्रॉयड हो गया यह तीनों आपके ओपन लोग पोल्स से ओके okay? अब इस सेंट, इस को कंसीडर सें, करके सेंटर पे प्लेस करके आपके प्रोडक्टर को और एक एंगल ड्रा कर दीजिए 60 डिग्रीज का राइट 60 डिग्रीज का एंगल ड्रा कर दिया विद आ, रियल एक्सिस ओके सो तो ये डेफिनेटली एक्सटेंड हो जाएगा लाइक दिस सेकेंड पॉइंट इस कि आपको प्रोटेक्टर को लोअर साइड में प्लेस करना है राइट आ, उसके और एक माइनस सिक्सटी डिग्रीज का एंगल ड्रा कर दीजिए राइट बेसिकली दिस इज़ थ्री हंड्रेड this total, uh, total circle is this total angle is 360 degrees right ye aapka kya hai 300 degrees ka angle aaya tha hamare paas right so 300 uh, ko aap kaise draw, draw kar sakte hain minus 60 degrees ka angle draw kar dijiye from this side okay so this becomes 300 degrees from this side okay so ye वैसे भी आपकी जो symmetry property है, उसको जस्टिफाई करना चाहिए राइट right? सिमेट्री प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए तो so, जैसा आपके अपर हाफ में होगा सिमिलर आपका लोअर हाफ में भी प्लॉट होगा ओके okay? सो so, अब दो चीज़ हमने कैलकुलेट कर लिए एक सेंट्रोइड और एक ए एस सिमटोट्स एस राइट थर्ड जो ए सिमटोट आया था आपको 180 एटी डिग्रीज वो इस एंगल के लिए आया था बेसिकली जो रूल नंबर टू है रूल नंबर टू अगेन फुलफिल्स ओके जो ये दोनों पोल्स हैं अब देखिए इस पोल के राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं काउंट कितना है वन मीन्स ऑड काउंट है ओके सो ये पूरा सेगमेंट क्या है आपका रूट लोकस पे लाई कर रहा है लेकिन इस पोल के राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स या जीरोज कितने हैं ये दो है मीन्स इवन है तो ये वाला सेगमेंट आपका रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा ओके इसके बाद वाला सेगमेंट फिर आपका रूट लोकस पे लाई करेगा सो so, वन एटी डिग्रीज का जो एंगल है वो इस तरह से होगा लाइट जो थर्ड एस इम टोट है आपका वन डिग्रीज का दैट विल भी लाइक दिस दिस बेसिकली एक्सटेंड्स टू इन्फिनी माइनस इन्फिनिटी सॉरी ओके अब देखिए हमें मालूम है कि ये दोनों पोल्स जो है इनका लोकस जो है मूव कर रहा है टूवर्ड्स ईच अदर राइट बट अब कहीं ना कहीं ये आपके एंगल आपके रियल एक्सिस को लीव करेगा ठीक है ये दोनों लोकसेस तो so, ये जो आपका रियल एक्सिस पे लीव करेगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट राइट सो नेक्स्ट स्टेप विल बी टू कैलकुलेट द ब्रेक अवे पॉइंट ओके अब स्टेप नंबर फोर ब्रेक अवे पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डेट इज़ ऑन रियल एक्सिस बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ड्रॉ करनी है तो कैसे करेंगे वन प्लस एफ एस इक्वल्स जीरो यू नो देो एच एस इज वन और जीएस की वैल्यू आपको मालूम ही है राइट जीएस इज के ओवर एस इंटू एस प्लस फोर इंटू एस प्लस फाइव ओके सो सिंपली यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी इन सम पावर्स ऑफ एस विद सम ये इक्वेशन बेसिकली क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है राइट right? अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको करना क्या है के कैलकुलेट कर लेना है बेसिकली रीअरेंज करना है इक्वेशन को और के को एक एंड पे ले लेना है और बाकी की इक्वेशन को दूसरे एंड पे ले लेना है देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस स्लोप ओके अब बेसिकली होता क्या अब देखिए जो भी ब्रेकअवे पॉइंट रहने वाला है अभी तक क्या है ये स्लोप बिल्कुल कॉन्स्टेंट चल रही थी लेकिन ऑल ऑफ सडन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आपकी के की वैल्यू ऑन रियल एक्सिस मैक्सिमम हो जाती है और वहाँ से वो फिर डिवेट करता है आउटवर्ड्स ओके सो इस पॉइंट पर आपकी जो स्लोप है बिल्कुल एक तरह का स्पाइक होगा एकदम एक तरह की पीक होगी राइट right? सो so, उस पीक पर आपकी स्लोप क्या हो जाएगी जीरो राइट सो हम स्लोप को इक्वेट कर रहे हैं जीरो के ओके okay? स्लोप so, क्या है हमारी डी के बाई डी एस इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एस से तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री एस स्क्वेयर प्लस एटीन एस प्लस ट्वेंटी इक्वल्स जीरो स्लोप को इक्वेट कर दिया जीरो के तो so, यहाँ से आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे एस वन एंड एस टू ओके अब इन दोनों में से कौन सा कंसिडर करना है ये देख रहे अब देखिए माइनस वन पॉइंट फोर सेवन आपका लाई कर रहा है विद इन दिस रेंज जीरो टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर पॉइंट समथिंग इट लाइज बेसिकली विद इन दिस सेगमेंट ओके अब आपको मालूम है रूल नंबर टू से कि ये वाला सेगमेंट जो है ये वाला सेगमेंट आपका रूट लोकस पे है नहीं तो इस पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करने वाले हम किस पॉइंट को कंसिडर करेंगे ये वाले सेगमेंट को ओके okay. इस सेगमेंट पे जो पॉइंट है आपका इस सेगमेंट पे पॉइंट कौन सा था माइनस वन पॉइंट फोर सेवन ओके सो माइनस वन पॉइंट फोर सेवन मेरा क्या हो गया ब्रेक अवे पॉइंट गॉट इट सो मार्क कर लेंगे माइनस वन पॉइंट फोर सेवन को राइट right, अब हमें मालूम है कि ब्रेक अवे पॉइंट बेसिकली आपका जो लोकस है वो ब्रेक अवे किधर से हो रहा है कौन रियल एक्सिस से कहाँ एग्जिट कर रहा है ओके okay, बट अभी और भी कुछ कैलकुलेट करना बाकी है क्योंकि अब ये डेफिनेटली क्योंकि देखिए आपका सिमथोर्ट्स किस तरह से लाइक दिस सो ये डेफिनेटली लोकस आपका फॉलो करेगा लाइक दिस ओके सो so, ये कहीं ना कहीं आपके इमेजिनरी एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा सो नेक्स्ट स्टेप मस्ट बी द इंटरसेक्शन विद इमेजनरी एक्सेस स्टेप फाइव है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्स इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसका इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन है बेसिकली रूट लोकस का ओके सो कैलकुलेशन के लिए हम राउथ और जो हम यूज करते थे सेम टेक्निक विल यूज ओके दिस वन इज नथिंग बट योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन राइट एस क्यूब प्लस नाइन एसक्र प्लस ट्वेंटी एस प्लस के इक्वल्स जीरो अब सिंपली जैसे राउथ हर में हम लिखते हैं हाईएस्ट पावर फर्स्ट देन डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी पावर सभी एस की आ जाएगी ओके सो राइट डाउन एस क्यूब एस स्वीर एस वन एंड एस टू पावर जीरो ओके अब करना क्या है जो ऑड पावर्स के कॉपिशेंट्स है इसका कॉपिशियन क्या है एस क्यूब का वन सो राइट इट राइटेयर वन देन अल्टरनेट पावर्स मीन्स ऑड पावर्स ये ऑड पावर है ना एस टू पावर वन इसका कॉपिशियट क्या है ट्वेंटी सो राइट डाउन ट्वेंटी ओके देन और कोई ऑर्ड पावर का कॉपिशियंट है नहीं तो इवन पावर के कॉपिशंट्स फिर नेक्स्ट रो में हम लिखेंगे एसक्वेयर के अगेंस्ट सो एस स्क्र के जो कॉपिशियट है दैट इज नाइन राइट इट डाउन देन नेक्स्ट इज सम कॉन्स्टेंट टर्म ओके कोई और इवन पावर है नहीं तो जस्ट राइट इट एयर ओके अब सिंपली आपको मालूम है कैसे कैलकुलेशन करना है नाइन मल्टीप्लाइज ट्वेंटी माइनस के मल्टीप्लाइज वन डिवाइडेड बाई नाइन राइट सो दिस बिकम्स वन एटी माइनस के डिवाइड बाई नाइन राइट लाइकवाइज दिस साइड इट इज़ ज़ीरो ओनली ओके अगर आप कैलकुलेट भी करते हैं तो भी जीरो जाएगा अब ये वाला जो है फाइनल एलिमेंट क्या हो जाएगा के बिकॉज वन एटी माइनस के बाई नाइन मल्टीप्लाई के एंड माइनस नाइन मल्टीप्लाई जीरो इज ज़ीरो ओनली। सो दिस बिकम वन एटी माइनस के बाई नाइन मल्टीप्लाई के ओवर वन एटी माइनस के डिवाइड बाई नाइन तो ये फैक्टर अपने आप में कैंसिल हो जाएगा आपको रहेगा क्या खाली के अब देखिए राउथ uh, में स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या थी राउथ अर्बिट्स में स्टेबिलिटी डिटामिन करने के लिए हम क्या करते थे हम देखते थे कि ये रो जो है ये रो एक तो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए ज़ीरो होती है तो फिर ये केस आपका मार्जिनली स्टेबल केस हो जाता है वो देखते हैं कैसे होता है और फर्स्ट जो कॉलम है इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए ओके सो so, अल्टीमेटली हम क्या करते थे दिस फैक्टर नीड्स टू बी ग्रेटर देन ज़ीरो ओके सो वही कंडीशन हमने ले ली स्टेबिलिटी के लिए इस फैक्टर को हमने जीरो से कंसिडर कर लिया ग्रेटर ओके अब जहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो के, के एक वैल्यू आ जाएगी मीन्स के मस्ट बी लेस देन वन एटी डिग्रीज ओके तभी आपका सिस्टम प्योर प्योरली स्टेबल रह पाएगा ओके okay? अगर इक्वल टू वन एटी रखते हैं तो मीन्स आपका जो पोल्स हैं वो लाई करेंगे किधर इमेजिनरी एक्सिस पे ओके okay? सो so, वो मार्जिनल स्टेबल केस आ जाएगा इज इट क्योंकि ये फैक्टर क्या हो जाएगा ज़ीरो और ये कंप्लीट रो हो जाएगी ज़ीरो ओके okay? सो so, इसीलिए हम क्या करते थे फॉर प्योर स्टेबिलिटी हम इसको ग्रेटर देन जीरो कंसिडर करते थे ओके okay? एंड इवन अगर के की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है 180 से तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा नेगेटिव तो यहाँ पर आपके पास साइन का एक ट्रांजिशन आ जाएगा ओके प्लस टू माइनस एंड माइनस टू प्लस में भी ओके तो यहाँ पर क्या है आपके कुछ पोल्स अगर साइन ट्रांजिशन आता है तो वट इट रिफ्लेक्ट्स बेसिकली इट सेज़ दैट आपके जो पोल्स हैं वो राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस के तो सिस्टम अल्टीमेटली आपका अनस्टेबल हो जाता है ओके okay? सो so अभी के लिए वो सबसे हमें कंसर्न नहीं है हमारा कंसर्न है इमेजिनरी एक्सिस पे सो so विल we'll consider के equals वन के equals 180 degrees डिग्रीज okay? ओके for फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी विल कंसिडर के इक्ल्स 180 एट्टी डिग्री और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि के की मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल रह सकता है राइट right? अब 180 एटी डिग्रीज आपने सब कर दिया इन प्लेस राइट अगर आप देख सकते हैं वन एटी अगर आपने सब कर दिया तो ये क्या हो जाएगा जीरो और ये ज़ीरो है राइट सो दिस होल रो बिकम्स जीरो ओके सो so, इसके लिए इस तरह के कंडीशन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज़ करते थे राइट right? इसके लास्ट वाली जो रो है उससे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन डिराइव कर लेते थे लास्ट रो क्या है एस स्क्वायर आगे नाइन एंड के सो दिस बिकम्स नाइन एस स्क्वायेयर प्लस के इक्वल्स जीरो ओके वही हमने किया देखिए नाइन एस स्क्वेयर प्लस के इक्वल्स जीरो राइट के की मैक्सिमम वैल्यू के लिए जिसके लिए हमारा सिस्टम स्टेबल हो रहा है वो हम सब शूट कर देते हैं इधर राइट नाइन एस स्क्वायेर प्लस वन एटी इक्वल जीरो सो so, यहाँ से आपके पास एस स्वीर्स इक्वल टू माइनस ट्वेंटी और एस का जो मीन्स दो पोल्स आपके पास आ जाएंगे एक प्लस आइटा ऑफ हंडर उटी जिसकी वैल्यू है फोर पॉइंट फोर सेवन एंड माइनस आइटा ऑफ फोर पॉइंट फोर सेवन तो ये दोनों पॉइंट्स क्या है बेसिकली दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस राइट देखिए आपने क्या किया दोनों पॉइंट्स को आपने मार्क कर लिया एंड सिंपली इन पॉइंट्स को आपने मीट करा दिया राइट सो so, ये रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज नथिंग बट योर रूट लोकस प्लॉट ओके ये एरोज जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है बेसिकली ये दोनों पोल्स हैं दे आर मूविंग देर लोकस बेसिकली चेंजेस टूवर्ड्स ईच अदर राइट और एक पॉइंट आता है ब्रेक अवे पॉइंट जहां से आपका लोकस आउटवर्ड मूव करता है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपके इमेजनरी एक्सेस को बेसिकली इसम टोड को फॉलो कर रहा है और इमेजनरी एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है राइट सो वट इज दिस दिस इज द मैक्म वैल्यू ऑफ के फॉर व्यूचर सिस्टम कैन रिमेन स्टेबल मार्जिनली ओके दिस नॉट फुली स्टेबल आपका इससे पहले जो वैल्यूज है के की यहाँ आपका सिस्टम प्योरली स्टेबल है राइट बट यहाँ आपका मार्जिनली स्टेबल है इन दोनों पॉइंट्स पर इसके बाद आप के की वैल्यू एक्सटेंड करते हो तो इंक्रीज करते हो तो आपका सिस्टम जो है इन टूवर्ड्स इन मूव कर जाएगा लाइक वाइज जो थर्ड पॉइंट था हमारा थर्ड पोल था वो टेंड कर रहा है देखिए किस तरफ मूव कर रहा है माइनस इन्फिटी की तरफ अल्टीमेटली जाना तो इनको इन्फिनिटी में ही है राइट दे स्टार्ट्स विद के इक्वल टू एट सम पोल एंड टर्मिनेट्स एट के इक्वल टू इन्फिनिटी ओके सो ये इन्फिनिटी की तरफ मीन्स मोर स्टेबिलिटी की तरफ इंक्रीज कर रहा है और ये आपका इनस्टेबिलिटी की तरफ इंक्रीज कर रहा है अगर आप के को 180 एटी डिग्रीज से इंक्रीज करते हैं तो राइट सो आई थिंक दैट इज क्वाइट क्लियर नाउ राइट होप सो आपको अब रूट लोकस प्लॉट करना आ गया होगा ओके okay. सो so, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हम आने वाले लेक्चर्स में कर लेंगे ओके थैंक यू